हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सुमंत टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टैपिट सेटिंग के बारे में। तो चलिए बताता हूँ टैपिट सेटिंग कैसे किया जाता है और बिना चिड़िया निकाले पुश रॉड कैसे चेंज किया जाता है। पुश रॉड बिना चिड़िया निकाले मैं पुश रॉड इसमें इंसर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से मुझे भाई के कमेंट आते हैं जो कि भाई बिना चिड़िया निकाले कैसे हम पुश रॉड चेंज करें। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें स्क्रू को पूरा ऊपर की तरफ लेना है। ऊपर की तरफ लेने के बाद फिर हमें पुश रॉड को अंदर इंसर्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेचकस की मदद से मैंने पुश रॉड स्क्रू को ऊपर की तरफ ले लिया है। अब मैं इसमें पुश रॉड इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप वीडियो देखे अनुसार, आप भी बिना चिड़िया बाहर निकाले आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो कुछ पेचकस की मदद से इस प्रकार से इसे फिट किया जाता है और फिर इसे स्क्रू की मदद से इसे टाइट कर देना होता है, जो कि हम टैपिट सेटिंग के बारे में बाद में अभी बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और इसको भी कुछ इस प्रकार से पुश रॉड इसे भी इंसर्ट किया जाता है और बड़े आसानी के साथ बैठ जाता है, जो कि आप इसका रॉकर, जो रॉकर पिन होती है उसे बाहर ना निकालने की वजह बड़े आसानी के साथ इसे ऐसे ही निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप भी इसी प्रकार से आप भी पुश रॉड इसके निकाल सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए वीडियो देखें, जो कि पूरा वीडियो का आनंद ले सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के अनुसार आप भी इसे के टैपिट सेटिंग विथ इसके पुश रॉड कैसे बिना चिड़िया बाहर निकाले कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा टैपिट सेटिंग के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा पुश रॉड जो है परफेक्ट तरीके से रोलर के अंदर इंसर्ट हो चुका है। आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि थोड़ा कैमरे भी एडजस्ट कर लूँ, जो कि आपको दिखाने में बहुत ही आसानी हो। ये देख सकते हैं आप, ये बड़े आसानी के साथ मेरा टैपिट बैठ चुका है। और आपको अब मैं बताने वाला हूँ टैपिट सेटिंग के बारे में कि टैपिट सेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए मिलते हैं टैपिट सेटिंग के बारे में। वेलकम बाय फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको एक पेचकस की मदद से और गियरा नंबर फिक्स पाने की ज़रूरत पड़ेगी टैपिट सेटिंग करने के लिए। वैसे तो मैं टैपिट सेटिंग हाथ से ही करता हूं, जो कि आप अगर पहली बार टैपिट सेटिंग कर रहे हैं तो फिलर गेज की मदद से करें, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए अगर पहली बार टैपिट सेटिंग कर रहे हैं तो। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसे टैपिट सेटिंग किया जाता है। और ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे टैपिट के सेटिंग के नंबर भी लिखे हुए हैं। एग्जास्ट जो है हमारा 20 mm होना चाहिए और इनलेट 15 mm के आसपास होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एग्जास्ट हमारा टैपिट सेट कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं टैपिट सेटिंग, जो कि बहुत ही टैपिट सेटिंग का सिंगल सिलेंडर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका टैपिट लूज कंडीशन हो जाता है तो भी गाड़ी में प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। अगर जो टैपिट टाइट हो जाता है तब भी में गाड़ी दबने की, पिकअप में धुआं देना, ऑयल खाना, बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप अगर टैपिट सेटिंग पहली बार कर रहे हैं तो फिलर गेज की मदद से ही करें, जो कि एग्जास्ट 20 mm और इनलेट 15 mm होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, मैं टैपिट खुद सेट करने के बाद आपको कैमरा नज़दीक एडजस्ट करने के बाद भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना प्ले होना चाहिए। अगर आप 15 mm से ज़्यादा प्ले रख देते हैं, मान लो इनलेट में, तो गाड़ी में बहुत सी दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। अगर एग्जास्ट में 20 mm से ज़्यादा रख देते हैं तब भी गाड़ी दिक्कत देने चालू हो जाएगी। सिंगल सिलेंडर में बहुत ज़रूरी होता है टैपिट सेटिंग होना परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने टैपिट को सेट कर दिया है।
अब मैं आपको दिखाऊंगा कि करीब से कैमरा एडजस्ट कर लूँ कितना प्ले होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, मतलब कितना ही हल्का प्ले होना चाहिए, जैसे कि 15 mm आपको बताया गया है और 20 mm उसी हिसाब से होना चाहिए। ये जो मैं टैपिट को सेट कर रहा हूँ, ये इनलेट है और एग्जास्ट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप तक अभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही रही नई टॉपिक की वीडियो के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।